हेलो वेलकम एवरीवन तो अपने इस वीडियो में हम लोग मार्च मंथ के जो है करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं इससे पहले हमने आपका जनवरी के फरवरी के आपके करंट अफेयर्स हमने उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया है ठीक है तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो में अच्छा यदि हम बात करते हैं तो आपके इसकी पी भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दी जाएगी बाकी आप हमारे सिविल जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? अब यदि हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें जितने भी आपके इस मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चाहे वो आपके नेशनल न्यूज से हो इंटरनेशनल इवेंट से हो रिसेंट अपॉइंटमेंट से हो बैंकिंग से हो एवॉर्ड से हो 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 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से से स्पोर्ट्स सारे को पर हम लोग देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को ये हमारा पहला क्वेश्चन वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट बीन वर्ल्ड कह रहे भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का जो है वो अनावरण जो है वो कहाँ पर किया गया है ठीक है अच्छा यदि हम बात करते हैं कौन सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एसई सी आई है ठीक है ये किसके अंडर आती है तो ये आती है आपके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है यदि हम बात करते हैं नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का अधीन आता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है और इसने हाल ही में जो इंडिया की सबसे बड़ी क्या इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बी का जो है इनोग्रेशन आपका राजनंद कहा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में किया है ठीक है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में किया है वन वन सेकंड सेकंड थोड़ा इसको कर लेते हैं कहां पर किया किया है आपका तो ये किया इसने राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में ठीक है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर छत्तीसगढ़ ठीक है अब छत्तीसगढ़ में और कोई योजना के लिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने एक और योजना लॉन्च की जिसका नाम क्या है महातारी वंदन योजना ठीक है महातारी वंदन योजना अब इस योजना के अकॉर्डिंग ठीक है 1000 मंथली क्या 1000 मंथली जो है ठीक है महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ में ठीक है और क्या है छत्तीसगढ़ ने एक और राम लला दर्शन स्कीम स्टार्ट किया है जिसके तहत अब जो भी दर्शन करने वाले जो मुफ्त तीर्थयात्री हैं उनको जो है मुफ्त अयोध्या के लिए पर ईयर ठीक है आपका पर ईयर कितना बीस हजार, हजार लोगों को जो है जा जाएगा मुफ्त में जिसके खर्च कौन उठाएगी स्टेट इस गवर्नमेंट इसका खर्च उठाएगी सही ऑप्शन क्या हो गया छत्तीसगढ़ बाकी इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं थी जो मैंने आपको बता दी है। चलते हैं चलते अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इज द ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एज पर 2024 कह रहा है आपका 2024 के अनुसार वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है यदि हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक की यदि हम बात करते हैं ठीक है तो इस सूचकांक में यदि हम बात करते हैं टोटल कितने देश है पचपन देश है ठीक है पचपन देश है ठीक है इसमें जो है वहां के लोगों की बौद्धिक क्षमता या आईपी के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग दी जाती है आईपी के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है कौन देता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ये रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ठीक है और इस रैंकिंग में जो भारत का दो हजार चौबीस में जो स्थान आया है वो आपका बयालीसवां स्थान है कौन सा बयालीसवां स्थान जिसमें यदि हम स्कोर की बात करें अड़तीस दशमलव छह चार्टी एट पॉइंट सिक्स फोर परसेंट भारत का स्कोर रहा है पहले पे कौन है यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे पे कौन है यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे कौन है फ्रांस चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे स्वीडन ठीक है तो भारत का कौन सा स्थान है फोर्टी सेकेंड प्लेस ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें अगला क्वेश्चन विच कंट्री वन द फर्स्ट यूएफा वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 23, 24 टाइटल करें प्रथम यू एफ ए महिला राष्ट्र फुटबॉल लीग दो हज़ार का खिताब जो है किस देश ने जीता है ठीक है यदि हम बात करते हैं तो कौन सा देश है तो स्पेन कौन स्पेन की जो महिला टीम स्पेन की महिला टीम ने हाल ही में जो सेवेले में कहां पर सेवेले में जो आपका यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट हुआ था जिसको हम के नाम से जानते हैं उसमें दो जीरो की शानदार तो की बात करते हैं यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कराता है ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पेन ठीक है स्पेन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट इंडिजेनियसली डेवलप्ड वशरोड पोर्टेबल एयर कह रहा है आपका डी आर डी ओ ने स्वदेशी रूप से निर्मित वशरोड पोर्टल पोर्टेबल एयर का परीक्षण कहाँ किया है यदि हम बात करते हैं डी आर डी ओ जिसका शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने सक्सेसफुली जो है सक्सेसफुली टेस्ट जो किया है ठीक है वो आपका जो

किस राज्य की सरकार ने जो है राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम ओ टी एस शुरू की है ठीक है तो यदि हम बात करते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने कौन से तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है तेलंगाना के गवर्नमेंट ने आपका वन टाइम स्कीम ठीक है वन टाइम स्कीम जो है वो लॉन्च किया है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ठीक है जिसके तहत ठीक है जिसके तहत क्या होगा सरकार जो है संपत्ति कर पर जो पहले से बकाया संपत्ति कर है उसके ब्याज पर जो है नब्बे परसेंट का आपको छूट देगा ठीक नब्बे परसेंट का छूट देगा लेकिन उसकी एक शर्त क्या है कि जो भी टैक्स पेयर जो भी करदाता है वो इस वित्तीय वर्ष में दो हजार का जो वित्तीय वर्ष रहा है उसकी बकाया मूल राशि को दस ब्याज के साथ एक मूस मतलब एक बार में ही चुका दे तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और उनके पहले के जितने बकाए हैं उस पर उनको नब्बे परसेंट की जो है ब्याज पे छूट मिल जाएगी ठीक है यदि हम बात करते हैं तो आपके तेलंगाना के सीएम कौन है तो वो है रेवात रेड्डी और डिप्टी सीएम कौन है मालू वाटी विकर्ना तो ये आप लोग याद रखेंगे सही ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पर तेलंगाना और तेलंगाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में चुनाव जहां पर हुए थे नए सीएम बने हैं ठीक है और किसके हैं तो कांग्रेस के हैं ठीक है आई नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कर हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कर संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है तो यदि आप बात करते हैं अच्छा संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है ट्रेडिशनली ये जो है आईपीएस अफसर को नियुक्त किया जाता है ठीक है किसको आईपीएस अफसर को नियुक्त किया जाता है ठीक है रिसेंटली जो आईपीएस अफसर है कौन अनुराग अग्रवाल अनुराग अग्रवाल को जो है आपका हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी जो है नियुक्त किया गया है यदि हम बात करते हैं अनुराग अग्रवाल की तो 1998 बैच के जो है ऑफिसर है जो की आपका से आते हैं, ये करंट में इंस्पेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ के रूप में आपका अपॉइंट किए गए हैं तीन साल के लिए ठीक है और इसकी नियुक्ति कौन करता है तो लोकसभा के द्वारा इसकी जो लोकसभा सचिवालय है उसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है तो इनकी नियुक्ति लोकसभा सचिवालय के द्वारा की गई है ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर तो यदि यह हम बात करते हैं अनुराग अग्रवाल चलते हैं अगले क्वेश्चन अच्छा और कुछ चीजें भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हु हैज रिसेंटली लॉन्च ए डी टी आई स्कीम करा हाल ही में अदिति योजना किसने शुरू की है यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है श्री राजनाथ सिंह उन्होंने हाल ही में जो है आपके सेना में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके डेवलपमेंट और इन आपका जो इनिशिएटिव के लिए आपका अदिति स्कीम जो है वो इनवाइट किया गया लॉन्च किया गया है ठीक है अब इस स्कीम की बात करते हैं तो जो भी आपका रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में जो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं ये उसके लिए स्टार्ट की गई है अब इस योजना के तहत जो रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान होगा जो विकास होगा जो वहाँ पर इनोवेशन होगा उसके लिए स्टार्टअप के रूप में पच्चीस करोड़ रुपये का कितना ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज़ की जो है वो अनुदान सहायता राशि दी जाएगी तो किसने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है आपके किसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने

आर्ट है ठीक है ये ट्रेडिशनल आर्ट है ठीक है जो की आप कहां पे, तो जो कि आपके कटक में उड़ीसा के कटक में उड़ीसा के कटक में जो कि आपका क्या है उड़ीसा के कटक में ये आपका बहुत ही पुराने समय से ये फेमस है जिसको हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड किया गया है ठीक है इससे क्या होगा कि जो कारीगर इसका काम करते हैं ठीक है थेके? उनको क्या होगा और पॉपुलरिटी मिलेगी और उनकी आय जो है वो भी इंक्रीज होगी ठीक है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा सही ऑप्शन क्या होगा ओडिशा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन द वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप एंड ताइवान पी एस एम सी इज सेटिंग ऑफ इंडिया सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट एड कर टाटा समूह और ताइवान की जो पी एम एस सी का संयुक्त उद्यम भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन संयंत्र जो है वो कहां पर जो है आपका स्थापित किया गया है यदि हम बात करते हैं भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट ठीक है जो कि ज्वाइंट वेंचर किसका किसका है तो जो टाटा ग्रुप है हमारे देश के टाटा ग्रुप और जो ताइवान की पीएसएमसी कंपनी है उन दोनों का एक ज्वाइंट एडवेंचर है जिसने अपना पहला सेटअप जो है गुजरात के ढोलेरा में किया है तीन सेमीकंडक्टर प्लांट जो बनाए जाएंगे एक तो ढोलेरा में बन चुका है एक और गुजरात में मतलब गुजरात में टोटल दो बनेंगे और एक असम में बनेंगे ठीक है और इससे लगभग चाहे आप डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें डायरेक्टली यदि इंप्लॉयज की बात करते हैं तो छब्बीस हजार इंप्लॉयज डायरेक्टली और एक लाख इंप्लॉयज इन डायरेक्टली उनको क्या मिलेगा आपका रोजगार मिलेगा इससे ठीक है तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हुआ आपका धूलेरा कहाँ पर है तो ये गुजरात में है ठीक है कहाँ पर है ये आपका गुजरात में है ओके okay? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें रिसेंटली द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अचीव्ड ए न्यू माइलस्टोन बाय फिनिशिंग सीक्वेंसिंग ऑफ 10000 इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने दस हजार भारतीय एक नया मिसाल हासिल किया है, है, इसकी जो है वो कौन करता है यदि हम बात करते हैं तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है ठीक है कौन सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के लिए वही आपकी फंडिंग कौन करेगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जो है इसके लिए फंडिंग करेगा और इसके तहत पूरे पैन इंडिया में ठीक है हाल ही में दस हज़ार से अधिक भारतीयों के जुनूम जो है उनकी टेस्टिंग गए, की गई है ठीक है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इसकी परियोजना के तहत भारतीयों में जो अनुवांशिकी है जो विविधता है उसकी सूची बनाया जाएगा डीएनए एन के लिए बायो बैंक स्थापित किए जाएंगे ठीक है ये स्कीम के लिए हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दो में भारत सरकार द्वारा

फेयर के यदि हम बात करते हैं इसको कौन कराता है तो उसको कराता है आई एच आई आई एच आर जो है वो इसको होस्ट करता है और इस बार कहाँ पर हुआ था ये तीन दिवसीय कार्यक्रम जो है इस बार बेंगलुरु में हुआ था कहाँ पर हुआ था बेंगलुरु में ठीक है ये भी याद रखेंगे बेंगलुरु में हुआ था यदि हम बात करते हैं तो इसका थीम क्या था इसका थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हार्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या था इसका थीम था ठीक है इसमें पच्चीस फार्मर्स थे जो कि आपके पांच

वो किस राज्य में आपका लॉन्च किया गया है ठीक है यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश का एक स्टेट है जिसका नाम है केरला केरला ने भारत की पहली केरला के गवर्नमेंट ने भारत की पहली गवर्नमेंट ऑन जो है ओ टी टी प्लेटफॉर्म सी स्पेस कौन सा सी स्पेस जो है वो लॉन्च किया गया है ठीक है ये पहला जो है सरकारी कोई आपका ओ टी टी प्लेटफॉर्म है ठीक है जो कि आपका जो भी कंटेंट होंगे उसके चैलेंजेस को सेलेक्ट करेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ठीक है और ये किसके अंडर आएगी तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स ऑफ आफ, गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंडर ये आपका प्रोग्राम आएगा ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा केरला केरला के सीएम कौन है पीएनआरआई विजयन तो ये भी आप लोग याद रखेंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे या अच्छा यहाँ पे कुछ और भी चीजें देख सकते देख सकते हैं तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में जो है केरल जो है भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में चुना गया है ठीक मतलब है केरल पूर्णता ई शासित राज्य मतलब ई गवर्नमेंट स्टेट है जहां पर सभी काम जो है आपके ऑनलाइन किए जा रहे हैं ठीक है यदि हम बात करते हैं भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना भी कहा कोची में जो कि केरला में स्टार्ट की गई है तो यह भी चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है कह रहा है विच कंट्री हैज मेड मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी फॉर द यूथ यदि हम बात करते हैं तो म्यांमार ने कौन सा देश ने म्यांमार ने जो है म्यांमार ने जो है हाल ही में जो वहां के सभी युवाओं को जो है सेना में शामिल करने के लिए अनिवार्य कर दिया है जिसमें 18 से 35 वर्ष के जितने भी पुरुष हैं वो और 18 से लेकर 27 वर्ष की महिलाएं उनको दो साल की जो सर्विस जो है सेना के लिए देनी ही होगी ये मैंडेटरी वहां पर हो गया है ठीक है तो सही ऑप्शन क्या होगा म्यांमार ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे

नियुक्त किया गया है ठीक है और सुधा मूर्ति की यदि हम बात करते हैं तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं और ये एक राइटर और एक एजुकेटर भी हैं ठीक है यदि हम बात करते हैं कुछ चीजों को और देखते हैं तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य जो है हर दो साल में क्या होते हैं रिटायर हो जाते हैं ठीक है बारह है नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा राष्ट्रपति कि दर की दर्जो की रिलेटेड होते हैं आपका लिटरेचर से साइंस से आर्ट से सोशल सर्विस से इन सब से रिलेटेड होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करती है नॉमिनेट करती है ठीक है तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया हमारे क्वेश्चन के लिए तो राज्यसभा सदस्य के रूप में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिकेम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा एक भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन बना है तो यदि हम बात करते हैं तो एक देश है जिसका नाम है निकारगोआ ठीक है निकारगोआ एक फ्रेंच स्पोकन कंट्री है जिसने ऑफिशियली भारत के जो है ठीक है जो फार्माकोपिया है उसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है ठीक है तो इंडियन फार्मा को सबसे पहला आधिकारिक जो नेशन जो है मान्यता दिया उसका क्या नाम है तो उसका नाम है ऑप्शन क्या होगा ठीक है अच्छा ये संस्था की बात करते हैं भारतीय है, फार्माकोपिया आयोग की बात करते हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके तहत ये आता है ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे रिसेंटली विच स्टेट ट्राइबल की आदिवासी पोशाक रीसा को जी आई टैग मिला है तो यदि हम बात करते हैं तो रीसा की यदि बात करते हैं तो रीसा क्या है ये एक है हाथ से बुना हुआ क्लॉथ है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा का है जिसे हाल ही में जो है जी आई टैग मिला है ठीक है सही ऑप्शन क्या होगा आपका त्रिपुरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हैज स्टार्टेड इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि स्कीम करें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किसने शुरू की है यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है सुखू जी हैं तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी ठीक है बामिन सुख सम्मान निधि योजना जो है वो स्टार्ट की है ठीक है यदि हम बात करते हैं हिमाचल सरकार ने जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट की है अब इस योजना के तहत जो है अगले वित्त वर्ष से अठारह से साठ वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको पंद्रह सौ रुपए महीना सरकार देगी इस योजना के तहत जो है आठ सौ करोड़ रुपए जो है आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगा सही ऑप्शन क्या होगा हिमाचल प्रदेश चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी अनविल्ड द स्टेच्यू ऑफ वेलोर इन द स्टेट ऑफ असाम द स्टेच्यू ऑफ विलोर इज डेडिकेटेड टू होम कह रहे असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ विलोर का अनावरण किया है कह रहे स्टैच्यू ऑफ विलोर जो है किसको समर्पित है तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेच्यू ऑफ विलोर को जो उन्होंने अनवील किया है उसका अनावरण किया है जो कि आपका डेडिकेट किसको किया गया था असम के वारियर असम के वारियर कौन असम के हमारे जो योद्धा रहे हैं जिनका नाम क्या है उनका नाम है लाचित लाचित बोरफुकन ठीक है तो उनके सम्मान में यह आपकी प्रतिमा बनाई गई है जिसकी हाइट जो है एक हाइट पच्चीस फीट है ठीक इस्टे, है, फीट है और बेस आपका अगले क्वेश्चन पे हुईन इन द इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिसेंटली कह रहा है हाल ही में बिजली विभाग की

अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन कह रहा है कि आपका हाल ही में जो है नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन के जो है चेयरपर्सन के रूप में चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यदि हम बात करते हैं किसको यदि हम बात करते हैं किशोर मकवाना ठीक है किशोर मकवाना को जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है इन्होंने जो है एन एस एस सदस्य के रूप में कार्यकाल संभाला है ठीक है यदि मकवाना की बात करते हैं ये भारतीय है, जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया है इन्होंने जो तैतीस से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें उनको प्रमुख पुस्तकें बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में शिवाजी महाराज के बारे में इन्होंने उनकी जीवनियों को लिखा है ठीक है यहां पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपको सही ऑप्शन मिल गया आपका किशोर मकवाना किशोर मकवाना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या रहा है अगला क्वेश्चन करा है माजुली मास्क रिसेंटली पैक द जीआई टैग इट्स बिलोंग टू विच स्टेट कि माजुली मास्क जो है हाल ही में टैग मिला है या किस राज्य से रिलेट करता है यदि हम बात करते हैं तो असम का एक द्वीप है द्वीप जिला जिसका नाम है माजुली वहाँ पर मुखौटे का निर्माण अधिक किया जाता है जो कि और के रूप में मिला है, तो माजुली की थी श्रीमन शंकर देव द्वारा मानी जाती है ठीक है तो इन्हीं के भक्तों द्वारा इस कला को जो है इनके माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सोलहवीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था और यह दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए

यदि हम बात करते हैं तो कटलेस एक्सप्रेस वे ट्वेंटी फोर का संचालन हाल ही में जो है जो कि पोर्ट विक्टोरिया के में किया गया इसमें भारत के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कौन आई के प्रमुख जहाज आई एन एस टी आई आर ने भाग लिया है किसने आई एस एस आई एन एस टी आई एन आर ने भाग लिया और यदि इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पर किया जाता है यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र और पश्चिम हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है ठीक है

जो है यहाँ पर आधारशिला रखा गया है ठीक है इसके लिए एक करोड़ रुपए की लागत द्वारा स्टेडियम में कोचिंग सुविधा चिकित्सा देखभाल और एंट्री के साथ जो 120 एथलीटों को रहने की जगह भी दी जाएगी ठीक है तो सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर भुवनेश्वर तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इंडिया स्टॉलिस्ट वेदर टावर हैज बीन इनग्रेटेड इन विच स्टेट करा है किस राज्य में भारत का जो है सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है तो यदि हम बात करते हैं तो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है किरण रिजिजू उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है भारत के सबसे ऊंचे वेदर टावर का कहां पर तो भोपाल में भोपाल कहाँ है मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्होंने इसका अनावरण किया है और ये टावर जो है 200 किलोमीटर दूर से जो है बादलों को ट्रेस कर सकता है ठीक है तीन घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग को भी ये अनुमान दे सकता है आप सही ऑप्शन क्या होगा मध्य मद, आपका मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश कहां पर भोपाल में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन रहा है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्वेंटी थ्री कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रेटिंग क्या है यदि तो हम बात करते हैं इंडिया का रेटिंग यदि हम बात करते हैं तो वन आउट ऑफ वन कंट्रीज में है किसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ठीक है एक्चुअली यदि हम बात करते हैं दो हजार बाईस यदि कंपेयर करें यहाँ पर आपको कुछ सुधार देखने को मिला है ठीक है की सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं तो यदि हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर कौन राचीन रविंदर जो है वो यंगेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने सर रिचर्ड हैडली मेडल जीता है और महिला क्रिकेट में बात करते हैं तो एमली है न्यूजीलैंड की पहली ऐसी क्रिकेटर है ठीक है ये आपको टॉप फीमेल क्रिकेटर के रूप में चुनी गई है जिनको डेवी मेडल से दूसरी साल लगातार सम्मानित किया गया और ये ऐसी पहली क्रिकेटर है जिनको दो बार सम्मानित किया गया है सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर यदि बात करते हैं तो सचिन रविंदर जिनको सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें हु हैज बीन एज द न्यू इलेक्शन हम इस नर्कारे कि नए चुनाव आयुक्त रूप में किसे चुना गया है तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह रच में कौन सुखबीर संधू और, और ज्ञानेश कुमार को नए आपका इलेक्शन कमिश्नर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की जो लेड पैनल है क्योंकि उनका तो न्यू तो किया गया पैनल है उसके द्वारा जो है इन्हें नियुक्त किया गया है और

एक नई बीमारी लाइम डिजीज का पहला मामला सामने आया है यदि तो हम बात करते हैं भारत भारत के 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 केरल केरल राज्य राज्य एर्नाकुलम एर्नाकुलम जिले जिले कौन में फेरी, और बेरेलिया, ये दो जीवाणुओं से ये रोग आपको होता है तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पर केरला ऑप्शन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कह रहा है कि किसे अखिल भारतीय स्वतंत्र महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो, तो नितिन नारंग कौन नितिन नारायण को जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ जो कि हरियाणा के पहले पर्सन है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ आई -E के रूप में चुना गया है ठीक है इन्होंने किसको रिप्लेस किया तो संजय कपूर को इन्होंने रिप्लेस किया गया है ठीक है और यदि हम बात करते हैं तो दिव्यन्दु बरुआ जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है जो कि आपका सेकंड ग्रैंड मास्टर है जो इस पद पर बने हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इससे पहले विश्वनाथन आनंद को भी चुना गया था ठीक तो प्रे, है चलते है क्वेश्चन पे कर पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली करें हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो हमारे रतन टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं कौन रतन जी उनको हाल ही में जो है पीवी वी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके परोपकारी कार्यों के लिए ठीक है ये अवार्ड जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी वी नरसिम्हा राव जी के द्वारा एक उनकी जो है याद में एक मेमोरियल बना है जिसके द्वारा ये अवार्ड जो है उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और माननीय कारणों के लिए अपना योगदान दिया है ठीक है सही ऑप्शन क्या मिलता है रतन टाटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे

सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया किससे संबंधित है यदि हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध कवि आपके प्रभा वर्मा जो है जो कि मलयालम भाषा में उनके जो रचनाएं हैं ठीक है उनको दो के लिए सरस्वती सम्मान से चुना गया है सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है ठीक है इन्होंने मलयालम भाषा की काव्य कृति कौन सी कृति रौद्र सात्विकम के लिए यह अवार्ड दिया गया है ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर मलयालम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इंडियन नेवी हैज साइंड एन एमओयू विद आई आई टी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिक और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है यदि हम बात करते हैं जो इंडियन नेवी है ठीक है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है उन्होंने एक एमओयू पर साइन किया गया है इस एमओयू के तहत दोनों मिलकर जो है भारतीय नौसेना और आई आई टी खड़गपुर मिलकर जो भी आपके इनोवेशन होंगे सोल्यूशन होंगे उनके लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे उनकी टीम जो है ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पर काम करेगी इसी तरह कुछ और आई आई टीज हैं जो इस तरह संयुक्त प्रोग्राम में हैं जैसे आई आई आर ई डी और आई आई टी भुवनेश्वर जो है उन्होंने भी मिलकर एनर्जी इनोवेशन के लिए मयूसाइन किया है इस तरह एन आई डी सी जो है वो आई आई टी दिल्ली के साथ जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ के लिए साइन किया हुआ है यह मैंने आपको बता दी

वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली कौन भारत की कैपिटल जो इंडिया कैपिटल दिल्ली जो है उसको सबसे अधिक जो है प्रदूषित शहरों के रूप में जिसकी एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट है चुना गया है ठीक है दिल्ली की बात करते हैं तो उसकी सबसे खराब एयर क्वालिटी है ठीक है जहां पर औसत वार्षिक पीएम जो कंसंट्रेशन है वो 2.5 को देखने को मिला है ठीक है और जो आपका पर क्यूबिक मीटर बात कर फिफ्टी पर क्यूबिक मीटर के रूप में देखने को मिला है ठीक है

आधिकारिक तौर पर जो पोखरण कौन सा पोखरण स्थान है उसको नेपाल के की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है और यह यदि हम बात करते हैं फेवा झील के किनारे स्थित बराहाटी घाट पर की गई है ठीक है पोखरण शहर की बात करते हैं ये कहां पर तो नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित है सही ऑप्शन क्या होगा पोखरण तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ 2024 कर रहा है। हाली में 2024 का जो है नॉर्थ ईस्ट गेम जो, जो थर्ड एडिशन है वो नागालैंड के रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंट पर सोविमा में शुरू की गई है नागालैंड के जो मुख्यमंत्री कौन है नेफ्यूरियो उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया इसमें जो आठ पूर्वोत्तर राज्यों के तीन से अधिक एथलीट तीन जिलों में कार्यक्रम जो है पंद्रह विषयों पर होगा ठीक है जिसमें आपका क्या क्या है तो तिरंदाजी है एथलेटिक्स है बैडमिंटन है बास्केटबॉल है मुक्केबाजी है आपका फुटबॉल है लॉन टेनिस है सिलॉट है टेबल टेनिस है ताइक्वांडो है है वॉलीबॉल और वो ये खेल जो है उसमें शामिल टोटल पंद्रह खेल किए गए हैं यहां पर मिल जाएगा आपको नागालैंड ऑप्शन नंबर नागा ए इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियाज इंडियंस फ्रॉम हैती करा क्योंकि हेथी से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है तो यदि हम बात करते हैं तो हैती में हैती एक कंट्री है जहाँ पर हाल ही में वहाँ के कुछ वायलेंट गैंग्स के द्वारा जो है सरकार की संस्थानों पर जो है आक्रमण कर दिया गया कब उन्तीस फरवरी को तो उसमें जो है भारतीय जो वहाँ पर फंसे थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने इंद्रावती मिशन ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया ठीक है सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका ऑपरेशन इंद्रावती तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे विच इंडियन सिटी करे कौन सा कर आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट दो हजार तेईस में जो है बिहार का बेगूसराय जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है तो कौन ऑप्शन सही होगा बेगूसराय तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कह हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना के एक नए राज्यपाल कौन बने हैं यदि हम बात करते हैं सी पी राधा कौन सी पी राधा को तेलंगाना का नया राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है ठीक है अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार जो है भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है ठीक है उन्नीस के जो है सातवें संवैधानिक सन, संशोधन के तहत एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है ये भी आप लोग याद रखेंगे

ट्रॉफी जो है किससे जीता तो विदर्भ से जीता है ठीक है रणजी ट्रॉफी का और इस तरह मुंबई सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है जिसने टोटल तो 42 खिताब जो है जीते हैं ठीक है सही so, ऑप्शन क्या होगा आपका मुंबई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो द तो तो ंगचुक ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को वहां के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है ऑर्डर ऑफ द ड्रप्पो से सम्मानित किया है ठीक है और भारत जब आपके हमारे प्रधानमंत्री वहां दौरे पर गए थे तो इस दौरे पर जो है तेल भोजन ऊर्जा खेल स्वास्थ्य अंतरिक्ष और शिक्षा से संबंधित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया और अगले पांच साल में भूटान को भारत दस हजार रुपये करोड़ की मदद देगा तो ये आप लोग याद रखेंगे सही ऑप्शन क्या होगा आपका भूटान तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और अदर अवार्ड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है तो वो है ऑर्डर ऑफ मिले जो कि अजिप द्वारा मिला है कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉग यू ये अवार्ड पॉपुलर न्यू गिनी द्वारा मिला है और कम्पनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी तो फीजी के द्वारा मिला है ठीक है सही ऑप्शन भूटान मिल गया चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह करे हमारा कह रहे हैं मालकुड्डा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तो विच स्टेट कह करे माल कुड्डा महोत्सव किस स्टेट से संबंधित है यदि हम बात करते हैं मालकुड्डा महोत्सव की तो ये संबंधित है मालनाडा कोलम केरला के दुर्योधन मंदिर से ठीक है यह आठ दिनों तक यह त्यौहार चलता है मालकूडा दो शब्दों से मिलकर बना है आपका माला और कूड़ा ठीक है माला का अर्थ है मंदिर के ऊपर की पहाड़ी और कूड़ा क्या अर्थ है आपका सड़वटी छतरी ठीक है और इस त्यौहार के दौरान शकुनी जो कि महाभारत के पात्र है देवी माता नागराज और किरात मूर्ति की पूजा की जाती है अदर फेस्टिवल यदि केरला की बात करते हैं तो ओणम है विशु है सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल ये सारे आपके केरला के फेस्टिवल है सही ऑप्शन क्या होगा आपका केरला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करे हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्यूकियो टू रिले किसने लॉन्च किया गया तो हाल ही में चीन ने चंद्रमा के जो दूरस्थ स्ट्रीट पॉइंट है कौन सा दक्षिण ध्रुव है उसके मिशन के लिए आपको 8 मार्च को अपना एक जो है रॉकेट पर अपना क्यूरिकायो टू रिले उग्रा जो है लॉन्च किया है ठीक है यह उपकरण के लिए हम बात करते हैं तो यह 200 किलोमीटर की वो भू पर लगभग आपका

शन जो है ईयर के 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 ओल्ड इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर लियो द्वारा जो इस्तीफा देने पर इनको जो है अपॉइंट रूप में ठीक है? सही क्या जाएगा है सही मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पे कह बुक टाइटल्ड फ्रॉम ए कार सेट टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड कह कोई आपका फ्रॉम ए कार सेड टू द रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है यदि हम बात करते हैं ठीक है तो फ्रॉम ए कार से पुस्तक के लेखक कौन है एस रमन पुस्तक किसने लिखी है एस रमन ने लिखी है एस रमन की बात करते हैं तो, आपके ये आपके केनरा बैंक के सीएमडी के रूप में कार्य कर चुके हैं जो इस समय सेवानिवृत्त हैं ठीक है सेबी के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी इससे पहुंच चुके हैं ठीक है

और डूइंग बिजनेस इन अनसर्टन टाइम्स किसने लिखा है रमेश नायर ने गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन किसने लिखा था वाल्मीकि फलेरो ने तो ये आप लोग याद रखेंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कह रहा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैज स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन एम BAC on adults in India. एम टी बी बी एस सी इज द वैक्सीन ऑफ विच डिजीज करें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर वैक्सीन एम टी का जो है क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है एम टी जो है किस रोग का टीका है यदि हम बात करते हैं तो भारत बायोटेक ने बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायो फ्रेबी के साथ जो है मिलकर एक ऐसा टीका को विकसित किया है जो युवाओं को टीबी के खिलाफ जो है लड़ने में आपको मदद करेगी और यह वैक्सीन पहले से मौजूद टीबी वैक्सीन बीसीजी जो है उससे भी ज्यादा असरदार है ठीक है तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको तो ये आपको टीबी मतलब से लड़ने के लिए वैक्सीन आपकी बनाई जा रही है तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ओके और अभी तो हाल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं जितना ये नया एम टी बन रहा है ठीक तो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च बाई आई आर डी ए आई फॉर पर चेजिंग सेलिंग एंड सर्विसिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एज़ वेल एज़ सेटिंग क्लेम्स कर रहा है कि बीमा पॉलिसियों की खरीद बिक्री और सर्विसिंग के साथ-साथ दावे तय करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का नाम बताइए तो यदि हम बात करते हैं कौन बीमा सुगम बीमा सुगम एक जो आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आपका बीमा के लिए जो सरकार समर्थित ऑनलाइन बाजार के रूप में काम करता है और ये जो है जो भी पॉलिसी धारक है उनके प्रीमियम की तुलना करने जीवन स्वास्थ्य मोटर यात्रा बीमा सहित चीजों को अधिकार जो है खरीदने के लिए देता है है तो तो कौन बीमा सुगम ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अगले क्वेश्चन पे रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड कर रहा है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहा पर हुआ है तो यदि हम बात करते हैं तो 21 मार्च को जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है चौंतीस देशों के नेता कहां पर हुए हुए थे ब्रुसेल्स में एकत्र हुए थे और सम्मेलन पहली बार तो बेल्जियम तो के लिए प्रतिबद्धता इसमें जताई है ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सही ऑप्शन होगा ब्रुसेल्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म बीन लॉन्च इन विच स्टेट कह रहा है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है तो जो हमारे गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है कौन प्रफुल्ल पंसेरिया उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म जो है कहाँ पर सूरत में लॉन्च किया है ठीक है इसका उद्देश्य क्या है तो शिक्षा में जो है आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन को एक्सपीरियंस करें बच्चे हाई क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो आपके एजुकेशन को बढ़ा सकें इसके लिए ये लॉन्च किया गया था तो गुजरात की बात करते हैं गुजरात का जो है आपका फॉर्म कब हुआ था वन मई नाइनटीन में चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है आचार्य देवव्रत तो सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर गुजरात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें आपका प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च बाई मोटिवेट यूथ इन स्पेस साइंस कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा प्रोग्राम है तो यदि हम बात करते हैं तो कौन इस स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातक और जो आपका स्नातकोत्तर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम है ठीक है और ये आपका अप्रैल मई 2024 के दौरान जो है आयोजित किया जाएगा तो ये आप सही ऑप्शन क्या होगा स्टार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसका थीम क्या है एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, विच कंट्री रिसेंटली प्रोहिबिटेड डिस्पोजेबल ई सिगरेट एंड वेब्स कर रहा है किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध लगा दिया है तो न्यूजीलैंड ने जो है डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध लगा दिया है ठीक है यह कदम देश द्वारा कानून को रद्द करके एक महीने से भी कम समय बाद उठाया गया है पहले आया था यह कानून फिर अब इसको खत्म कर दिया गया जिससे आपको तमाको को वहां पर समाप्त किया जा सके तो हमने इंपॉर्टेंट मार्च के क्वेश्चन जो है क्या हो गया आप आपका न्यूजीलैंड तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट किया बाकी जो भी स्टूडेंट जो है करंट अफेयर्स की जो है इन क्वेश्चंस को आपको टेस्ट सीरीज के रूप में देना चाहते हैं तो वो आकर हमारे जो है ऐप पर इसको परचेज कर सकते हैं जहाँ पर पूरे दो साल के आपको ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है तो आप लोग टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बायोलैंग्वर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल सकता है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा थैंक यू एवरी